सिविल डिफेंस सम्मान समारोह गंगा विहार गली नंबर 6। आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं गंगा विहार गली एच ब्लॉक गली नंबर 6 में, और यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे सिविल डिफेंस के जो हमारे कर्मचारी हैं, सक्रिय कर्मचारी हैं, उनको एक सम्मान समारोह रखा गया है इनके उत्साहवर्धन के लिए, इनके उत्साह को बढ़ाने के लिए, और भविष्य में भी ऐसे ही ये उत्साहपूर्वक कार्य करते रहेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। इस कार्यक्रम को संचालित श्री योगेंद्र कुमार ने जो है रखा था, और इसमें हमारे अधिकारियों ने भी अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। अब हम बात करते हैं हमारे डीएम सर से कि वो आज के कार्यक्रम पे अपना दो शब्द विचार रखें। सर, मेरा नाम महेश जिंदल, एडिशनल चीफ आर्डन डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ ईस्ट। जो भी आज ये प्रोग्राम हमारा COVID-19 का कोरोना योद्धा के रूप में जो सर्टिफिकेट दिए योगेंद्र शर्मा जी ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं। मेरे सिविल डिफेंस वॉलेंटियर दिन रात 24 घंटे इस कोरोना काल के अंदर मेहनत कर रहे हैं निष्काम सेवा भाव से, तो मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मेरा सिर्फ यही कहना है कि दिल्ली सिविल डिफेंस जो है हमेशा निष्काम सेवा के लिए तत्पर रहती है। दिल्ली के अंदर किसी भी तरह का कोई डिजास्टर हो, किसी भी तरह की कोई आपदा आए, कोई त्यौहार हो, छठ पूजा, दिवाली पूजा, किसी भी तरह का कोई झगड़ा हो, तो हमारे सिविल डिफेंस के जो वॉलेंटियर है हर मोहल्ले में हर गली से ये बिलोंग करते हैं। टीयर हमारा कोरोना की में ड्यूटी करते हुए कोविड पॉजिटिव हो जाता है, तो सर उसके लिए क्या व्यवस्था है सरकार ने की है? उसके लिए फिलहाल तो अभी कोई व्यवस्था नहीं है, फिर भी ऑन ड्यूटी अगर कोई हमारा वॉलेंटियर्स को पॉजिटिव हो जाता है तो हम अपनी तरफ से और प्रशासन की तरफ से पूरी मदद करने के लिए हमें को डीएम मैडम ने आश्वासन दिया हुआ है कि हम उस वॉलेंटियर की पूरी मदद करेंगे जो भी उनसे हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। है सिविल डिफेंस के उनके उत्साहवर्धन के लिए अपना विचार व्यक्त करें सर। मैं श्री प्रकाश, डिप्टी चीफ वार्डन जोन विवेक विहार सादर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि सिविल डिफेंस वॉलेंटियर एक ऐसी फोर्स है जो किसी भी आपदा में फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पहले पहुँचते हैं, और वो किसी चीज़ का जोखिम लेने से कभी भी निकट रहते, चाहे कहीं आग लग जाए या कुछ हो जाए। जैसे कोविड महामारी है, इसमें देख लीजिए हमारे वॉलेंटियर अपनी जान की परवाह किए बगैर भी घर से बाहर निकलते हैं और पूरी सेवा देते हैं। बस हम इन्हें रजिस्ट्रेशन देते हैं, जिस तरह हमारा एक नियम है कि अपनी सुरक्षा, तो इनको हम ये निर्देश देते हैं कि अपनी सुरक्षा रखते हुए औरों की सुरक्षा करनी है। और हमारे वॉलेंटियर, एक बात और बता दूं, सिविल डिफेंस में कहीं भी किसी भी तरह का भर्ती होने से लेके पेड ड्यूटी तक किसी भी तरह का कोई पैसा कहीं नहीं लिया जाता। ये एक ऐसी संस्था है। थी श्री विनोद जोशी से बात करते हैं कि आज के कार्यक्रम पे अपना विचार व्यक्त करें। आज का जो कार्यक्रम सिविल डिफेंस डिवीजन 206 की ओर से रखा गया था, खासकर इसमें योगेंद्र जी और उनकी पूरी सहयोगी टीम और उनके साथ जो मुख्य उनके प्रबंधक जिंदल साहब प्रकाश जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसी टीम तैयार करी है जो कि एक मिसाल है। सिविल डिफेंस जो कि निष्काम सेवा भावना से कार्य करती है और जोखिम लगाकर पूरे समाज सेवा कर रही है, राष्ट्र सेवा, वास्तव में सच्ची सेवा यही कर रही है। और भी हमारी बहुत सी टीमें हैं, पुलिस है, फोर्स है, लेकिन वो लगभग पेड होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो सिविल डिफेंस के जितने भी वर्कर कार्य कर रहे हैं ये मोस्टली अनपेड होते हैं, और अब कुछ पेड इनको मिल भी रहा है तो मेरे हिसाब से ना के बराबर है, क्योंकि अपने जोखिम जान को हथेली पे रखकर और इतना जोखिम भरा कार्य करना, समाज सेवा करना, कोई इनके लिए विशेष सुविधा सरकार प्रशासन के द्वारा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये लोग बड़ी तन मन धन से कार्य कर रहे हैं, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और मैं आशा करता हूँ ये लोग इसी तरह से करता रहूँगा और अच्छे कार्य करेंगे, और प्रशासन से मेरी ये डिमांड रहेगी कि आने वाले भविष्य में इनके लिए कुछ विशेष सुविधाएँ, इनके लिए विशेष कोर्स का निर्माण किया जाए, कोई ऐसे गाइडलाइंस बनाई जाए कि जो वास्तव में ये और अच्छे ढंग से कार्य कर सकें। पुनः मैं इनका धन्यवाद देता हूँ पूरी टीम को, और इनका मैं दोबारा पुनः धन्यवाद करूँगा इनकी पूरी टीम का कि वो इस प्रकार से निष्काम सेवा भावना कार्य कर रहे हैं, धन्यवाद। तो साथियों, आपने देखा कि हमारे सभी अतिथियों ने उत्साहवर्धन हेतु अपने अपने विचार व्यक्त किए, और साथ ही ये आशा ही ने ये भरोसा भी हमें दिलाया कि हमारे सिविल डिफेंस के जो कर्मचारी हैं वो तन मन धन से लगे हुए हैं और पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण उम्मीद के साथ
अपने कार्य को करते हुए भविष्य के मार्ग में और आने वाले भविष्य में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। लोकेश कुमार सुमन, जय इदरीस के साथ, गंगा विहार, एच ब्लॉक। हमारे माननीय जो यहाँ आए हुए हैं, आप सबका हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। अब मैं श्री विनोद कुमार का खुश से अभिनंदन करें। दूरी भी चाहिए वैश्विक महामारी में, जो विश्व स्तर पर अपने विकराल रूप को धारण कर लिया है और इस विकराल रूप से निपटने में आज उन्हीं के उत्साहवर्धन के लिए ये जो कोरोना काल समय चल रहा है और इसके अंदर सिविल डिफेंस का जो रोल है और प्रशासनिक कार्य है, सबसे पहले मैं हमारे क्षेत्र के सिविल डिफेंस प्रमुख विराजमान स्टेट बैंक का सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपके मार्गदर्शन में सिविल डिफेंस खासकर इस क्षेत्र के वार्ड के जो कार्य कर रही है वास्तव में प्रशासनिक कार्य है, सच्ची राष्ट्र सेवा इससे बढ़ के कुछ नहीं है और आप लोग वास्तव में कर रहे हैं, आप बधाई के पात्र हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक योगेंद्र जी, जो कि समाज सेवी भी हैं, सिविल डिफेंस से भी जुड़े हुए हैं, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप अपनी इस टीम के साथ जो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं वास्तव में ये प्रशंसनीय है और आशा करता हूं आप लोग इसी प्रकार से सच्ची राष्ट्र सेवा जो वास्तव में है वो आप लोगों के माध्यम से है। प्रशासन की ओर से कोई विशेष सुविधा आप लोगों को नहीं दी जाती, फिर भी आप उनसे बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं, आप वास्तव में प्रशंसनीय कार्य के लिए बधाई के पात्र हैं। पुनः मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, भविष्य में इसी प्रकार से आप निरंतर निस्वार्थ सेवा से समाज कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अपना योगदान देंगे। अब मैं श्री प्रकाश जी से निवेदन करता हूं कि वो हमारे उत्साहवर्धन हेतु दो सब रैंक होल्डर हैं और मैं जिंदल साहब का धन्यवाद करता हूं जोशी जी का, और धन्यवाद मैं योगिंदर जी का भी करता हूं जिन्होंने हमें यहां आने का मौका दिया। मैं बता दूं, योगिंदर जी मेरे हाथ के भर्ती हैं और जब मेरे पास आए थे कोई इनके लेके अप्रूवल लेके आया था, मैंने इन्हें भर्ती करवाया और इन्होंने इसमें सिविल डिफेंस में बहुत अच्छा सहयोग दिया है और समय समय पर देते भी रहते हैं। और सिविल डिफेंस में आपको पता सबसे पहला हमारा कार्य क्या है, सिविल डिफेंस की डेफिनेशन ये है कि अपनी सुरक्षा करते हैं, दूसरों की सुरक्षा करना। और इस कोविड महामारी में मैं चाहूंगा कि आप लोग अपनी भी सुरक्षा करें और जो जहां भी आपकी ड्यूटीज है उसको उसी तरह से निर्वाह करें। और अधिक ना कहते हुए धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद आप सभी का। मेरे साथी श्री प्रकाश जी, डिप्टी चीफ आर्डन सागरा, और जोशी जी, योगेंद्र शर्मा जी, मेरे डिप्टी कोस्ट गार्डन दो कुलपुरी, और मेरे सभी रेस्पेक्टेड सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स और गार्डन, सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज आपने मेरे सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का उत्साहवर्धन करने के लिए आज हमारे को इनवाइट किया और हमारा सौभाग्य की
हम आप लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पे आए हैं। मेरे को बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे प्रोग्राम मेरे डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए और उनको लेने चाहिए, जिससे कि मेरे वॉलेंटियर्स का उत्साह और मनोबल बढ़ता रहे। जब हम सिविल डिफेंस में भर्ती होते हैं तो हमारा मुझे कम निष्काम सेवा भाव है। कोई भी विद्यार्थी हो, किसी भी तरह की आपदा, लेकिन जो भी कार्य हम निष्काम सेवा भाव से कर सकते हैं। पेड़ टूटी देव हमारी साल छह महीने से जब से कोविड आया जब से हुई है, उससे पहले हम निष्काम सेवा ही करते आ रहे हैं। बाकी सभी बातें मेरे साथी श्री प्रकाश जी ने और ज्योति जी ने बता दी है कि हमारा काम ही निष्काम सेवा भाव है, आम पब्लिक की सेवा करना, और कम से कम किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचे उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। और आप सभी बधाई के पात्र भी हैं कि पिछले एक सवा साल से तन मन धन से 24 घंटे कोविड-19 की हम ड्यूटी कर रहे हैं, दिन रात एक करके। हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें कोविड-19 का दमकर डट करके मुकाबला करना है। और हमारा काम है कि किसी भी अफवाह को फैलने से रोकना है। तो मेरा इतना सजेशन है कि आप जिस तरह से अभी तक काम करते आए हैं ऐसे ही करते रहिए। आपको जो भी सुविधा चाहिए हम निरंतर प्रयास करेंगे कि आपको उस सुविधा की कोई कमी ना होने दें। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में कंटेनमेंट जोन बने हुए हैं, हमने टेंट की व्यवस्था करवाई है, आपके लिए कुर्सी की व्यवस्था करवाई है, कल से आपके लिए बिस्लरी पानी की बोतल, सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स भी आ रहे हैं आपके। तो हमारी कोशिश है कि हम अपने वॉलंटियर्स को भी कम से कम उसको कष्ट हो, और जब भी कोई ड्यूटी करते हैं कष्ट थोड़ा बहुत होता ही है, और जब कष्ट हम सहन करते हैं तो पूरा लगे हमारे तरफ दिखता है, उसकी भी दुआ हमें मिलती है। यही बहुत से इसी भावना से हमें काम करना है। धन्यवाद। साइड प्लीज, साइड। अमित कुमार, करण, प्रकाश जी से हुई और उनसे मिलने के बाद में जी मैं आज दिल्ली सिविल डिफेंस में भर्ती 2014 में श्री प्रकाश जी ने किया, और भर्ती होने के बाद एक HFP की पोस्ट मिली, लेकिन उसके बाद में डिप्टी पोस्ट वार्डन बनाया गया 2015 में। फिर मेरी मुलाकात श्री महेश जिंदल जी से भी हुई और मैं उनके कॉन्टैक्ट में चला गया। उसके बाद मैं यहाँ तक आपके सामने जो आज खड़ा हूँ वो इन साहब की बदौलत खड़ा हूँ। और एक अपना CCRO के नाम से भी है, GST, मैं उससे भी जुड़ा और उसमें भी मैंने समाज सेवक का काम काफ़ी किया। जितना भी मेरे से समय मिला मैं उतना समय दिया, और मैं फिर भी हाथ जोड़ कर बस इतना ही कहूँगा, आज जो आप ड्यूटियाँ कर रहे हैं पेड, अब से पहले आपको पेड ड्यूटी कहीं नहीं मिली, लेकिन ये जो ड्यूटियाँ पेड मिली हैं वो हमें श्री महेश जिंदल जी ने दी हैं। आज चैलेंज किया है, आज मैं इनसे काम करके दिखाऊंगा, काम करके आपको दिखाऊंगा। और आप सभी से आज मैं प्रोमिट कर रहा हूँ, योगेंद्र शर्मा जो है आने वाला गोकुलपुरी डिवीजन के लिए डिप्टी डिवीजन वार्डन के लिए ये तैयारी करे, उसका परमिशन मैं लगा दूंगा। जो काम उन्होंने करके दिखाया है अभी लास्ट 2020 में वो कार्यक्रम होना था, लेकिन आप जैसे जानते हो कोविड के चक्कर में कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। आने वाले समय में
मैं योगेंद्र जी से कहूंगा कि जो भी आपके टीम के प्रमुख हैं और जो भी आपके वॉलंटियर्स एक्टिव हैं, हमें उनकी लिस्ट बना के दें। उनके नाम से हम लोग उनको अपने कार्यक्रम में सम्मानित करेंगे। और खासकर हमारा एक मीडिया वर्क भी है जिसके अंदर हम लोग अपने जो भी हमारे वर्कर हैं, जो वॉलंटियर हैं, जो कार्य करते हैं, उनके इंटरव्यू निकाल मुख्य जो हमारे लोकेश कुमार समझिए आप देख रहे हैं, जन सुधारक टाइम्स के ये वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक अध्यापक भी हैं। हमारे साथ जेके जी जो आपके सामने कवरेज कर रहे हैं, ये हमारे दिल्ली जो एरिया है उसके मुख्य रिपोर्टर है और संपादक का कार्य भी करते हैं, साथ में ट्रेनिंग भी देते हैं। तो मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि आज इस कार्यक्रम में उनसे ये बात रखी थी कि भाई जो सिविल डिफेंस के कार्यकर्ता है, जो वर्कर है, क्योंकि लास्ट टाइम मोमेंट में मैं उनके साथ था उपाध्याय जी के साथ, कि इनके लिए कुछ विशेष प्रबंधन विशेष कुछ ऐसा रखना चाहिए जैसे इंश्योरेंस। पुनः आज के कार्यक्रम में योगेंद्र जी को मैं धन्यवाद करूँ। और मेरा नाम योगेंद्र कुमार शर्मा, सनोप श्री ओंकार दस शर्मा और बाई बर्थ इस मकान में रहता हूं, लेकिन जो मुझे हौसले और यहां तक पहुंचने मिले हैं वो सिर्फ दिल्ली सिविल डिफेंस और श्री महेश जिंदल जी के कारण मिले हैं मुझे आज। और सिविल डिफेंस में मुझे लाने वाले श्री प्रकाश जी थे, जिनका मैं आज भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और मैं उनके बेटे की ही तरह रहता हूं और वो मुझे अपने बेटे की तरह मानते हैं। बस यही मैं कहना चाहूँगा। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित कुमार और मैं एक सिविल डिफेंस का सेवादार, और हम आज भी 24 घंटे दिल्ली के लिए हाजिर खड़े। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सोनू है और मैं हमेशा सिविल डिफेंस के लिए सेवा के लिए 24 घंटे के लिए तैयार हूँ। नमस्कार, मेरा नाम नरेश कुमार और यहाँ आए हुए अतिथिगणों का मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा, और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने योगेंद्र सर जी का, जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त कराया कि मैं आज इस प्रोग्राम में उपस्थित हूँ। धन्यवाद। सभी जनों को नमस्कार, मैं करावल नगर डिवीजन से हूँ, मेरा नाम रवि है और मैं हमेशा सिविल डिफेंस की ड्यूटी के लिए तैयार हूँ। मेरा नाम रितेश जायसवाल है, मैं 209 डिवीजन से हूँ और मैं सिविल डिफेंस की सेवा के लिए हमेशा आता हूँ। जय हिंद सभी को, मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सिविल डिफेंस के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ, दिल्ली की जनता के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। जय हिंद सर, मेरा नाम विक्रांत शर्मा है, 209 डिवीजन गोकुलपुरी से हूँ, मैं सिविल डिफेंस के लिए हमेशा 24 घंटे के लिए तैयार खड़ा हूँ। नमस्कार सर, मैं प्रदीप कुमार, सिविल डिफेंस गोकुलपुरी गांव से, 209 डिवीजन नंबर से सिविल डिफेंस के लिए 24 घंटे तैयार रहूँगा। जय हिंद सर। तो साथियों, और भी कुछ साथियों से बात करते हैं, कैसा अनुभव रहा आपका सिविल डिफेंस में? जी, बहुत अच्छा लगा मेरे को सिविल डिफेंस में आके, और मैं हमेशा सिविल डिफेंस के साथ अपना रहूँगा और जो भी मेरे को कोई भी आज्ञा मिलती है मैं उसको बिल्कुल पालन करूँगा। कोई ऐसा अनुभव जो कि ड्यूटी करते हुए आपने पाया हो? जी, सब रिस्पेक्ट है इसमें सबकी। और बहुत अच्छा अनुभव है इसमें। कोई ऐसा अनुभव जो कि आप शेयर करना चाहें, बताना चाहें आप लोग? फिलहाल तो ऐसी कोई कहने में स्थिति मेरे सामने, फिलहाल तो ऐसा कोई डिजास्टर या ऐसी केमिस्ट्री हमारे सामने आई नहीं है, लेकिन हम हर उसके लिए तैयार हैं और अच्छा लगता है हमें दूसरों की मदद करके, एक अच्छे फील होता है। हुए सिविल हम समाज सेवा के लिए भर्ती हुए हैं और हम आगे भी समाज सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। बहुत बढ़िया, ये उत्साह देखकर लग रहा है कि आने वाले भविष्य में जब भी कोई मुसीबत आती है, जब भी कोई समस्या आती है, ये हमारे योद्धा हमेशा हमारे साथ खड़े होकर और निडरता पूर्वक कार्य करते हुए आगे अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे। जाएगा।